लोग मरने को भी तैयार हैं, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इनके लीडर हो। सच बोल रहा हो ना? जवाब क्यों नहीं देता? क्या तू लीडर है? सच कहा, मेरा भाई लीडर है। सुनो सिद्धू, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो और हर जरूरतमंद का साथ दो। ये सारी जनता भले ही इस कुत्ते से क्यों ना डरती हो, पर इस कुत्ते को तुमसे डर लगना चाहिए, तुम्हारे नाम से कांपना चाहिए। ए, ले आओ उस औरत को। तो तुझे इसी पल मार सकता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तू अपने साम्राज्य को तबाह होता हुआ देखे। तेरी शिकस्त की गूंज तेरे कानों में पड़े। तेरा तो मैं वो हश्र करूंगा कि कलकत्ता में गुनाह करना तो क्या, उसके बारे में सोचने से भी डर लगे। आज के बाद अपनी मर्जी से तू सांस भी नहीं ले पाएगा मेरी परमिशन के बगैर। नायक सिद्धार्थ नायक। मुझे धमकी दी? हिम्मत तो देखो साले की, उस कमीने ने कोलकाता के पब्लिक के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मरना होगा उसे, अपने हाथों से मारूंगा, जान से मार डालूंगा उसे। भाई, वो अपने आदमियों के साथ अपनी फैक्ट्री की तरफ गया है। कर पढ़ाई करो, कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह देना। ठीक है भैया। इंस्टेंट कॉफी के जैसा वो इंस्टेंट हीरो बन गया। भैया, उसे मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। बैंड बजा दिया साले ने। उसके पास ही मत जाना भाई, अगर उसे टच भी किया तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा स्टेट हिल जाएगा। उसकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो चलता है तो लोग फूल बरसाते हैं, भगवान की तरह उसे पूछते हैं। स्टेट के सारे एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस ऑफिसर सब उसका साथ दे रहे हैं, यहाँ तक कि अपना मिनिस्टर भी उसका साथ दे रहा है। आज पूरे कोलकाता में नायक के ही चर्चे हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उन लड़कियों को भी विदेश से वापस ले आया है जो वहाँ पहले भेजी गई थी। मुझे लगा था मैं आपको दोबारा नहीं मिल पाऊंगी पापा। वो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है, उसने हमारी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है। आज तक लोगों ने हथियार उठाए हैं सिर्फ गुनाह करने और करवाने के लिए। फर्स्ट टाइम न्याय के लिए किसी ने हथियार उठाया है सर। मैं उस देवता से मिलना चाहती हूँ मामा। Thank you.
इससे तो अच्छा होता कि वो हम दोनों को मार देता। दिमाग खराब कर दिया उसने। गोली मार दो मुझे। इतनी बेइज्जती आज तक कभी नहीं हुई। ऐसे नहीं जी सकता मैं। अब या तो वो रहेगा या तो मैं। हम नहीं जाएंगे। जाएगा वो। ये शहर नहीं बल्कि ये दुनिया छोड़ के। शहर के मासूम लोगों को जिन्होंने नरपत का डर दिखाकर लूटा है, उन सारे गुंडों लफंगों, उनके पार्टनर और सपोर्टर्स को, शहर के हर एक क्रिमिनल को बुलाओ। कहना नायक मिलना चाहता है उनसे। ए, शहर के सारे गुंडे, बदमाश, सारा कचरा यहाँ क्या कर रहा है? कल तक आप भी तो नरपत भाई के पीछे दुम हिलाते फिरते थे, फिर आज नायक से मिलने क्यों है? अगर भाई को पता चल गया तो? ए, ट्रेंड के साथ चल। आज ये फॉर्म में है तो हम इसे फॉलो करेंगे, समझा? फॉलो मी। तुम सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? हमें बाहर रुकने को कहा गया है। जब नाम पुकारा जाएगा तब अंदर जाना है। ओहो, वन बाय वन मांडवली करेगा ताकि एक दूसरे को पता ना चल पाए कि किसकी सेटिंग कितने में हुई है। हमें डर है कहीं अंदर हमारी धुलाई ना हो जाए। सिर्फ तेरे ही नहीं, भाई की भी फट रही है। करो, जैसे शर्ट पहनकर बॉडी को छुपाते हैं वैसे मुस्कुराकर डर को छुपाओ। ठीक है भाई। नमस्ते नायक भाई। नमस्ते नायक भाई। आपने एक घंटे का वक्त दिया था, हम आधे घंटे में आ गए। आजा मंगल, तू तो टाइम का पाबंद है। कुछ पिएगा? कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक? आपके साथ एक फोटो लेनी है। फोटो? यस, सबको बोलूंगा नायक भाई मेरे दोस्त हैं। पब्लिक में सॉलिड क्रेज है आपका। मैंने आज तक 100 खून और 50 रेप किए हैं। गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाई है। इस शहर को रुलाया है मैंने। पर गली का कुत्ता तक नहीं जानता, सिर्फ पुलिस जानती है। पर तुमने सिर्फ एक मर्डर किया और स्टार बन गए भाई। सिर्फ एक सिग्नल दे दो और शाम तक देखो मैं 100 करोड़ रुपए चंदे के नाम पर जमा कर लूंगा। मिलकर बांट लेंगे। परमिशन दे दो, किस्मत चमक जाएगी। 100 करोड़ रुपए? इतना कैसे मिलेगा? टाटा बिरला भी नहीं दे पाएंगे। कैसे दे पाएंगे, वो हमारी तरह गुंडे थोड़े ही हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी कितने की होगी? 500 करोड़ की। मतलब गुंडों की इतनी कमाई हो जाती है? छे छे, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चिल्लर है। तुम बस हाँ बोलो, मैं तुम्हें उस नरपत के बच्चे से 100 करोड़ ज्यादा दूंगा। तुम्हारे इस खंडर को महल बनाकर रख दूंगा। तुम बस हाँ कह दो और परसेंटेज की बात कर लो। स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और टेंडर, कोई भी लीगल काम के लिए 50-50 और इलीगल 60-40। मंजूर है? ऐसा प्रपोजल भला कौन छोड़ सकता है? परसेंटेज में दम है, अंदर जाकर डॉक्यूमेंट साइन कर लो। वाह, गुंडागिरी का अग्रीमेंट। सलाम है नायक भाई। बताओ अग्रीमेंट साइन करने कहां जाऊं? लेफ्ट हैंड से इशारा किया है, राइट में जाना होगा। चलिए राइट में। मैं मंगल, नायक भाई का पार्टनर। ये क्या? पुलिस वाले, वकील, जज, रजिस्ट्रार। अरे रे रे रे, सारे व्हाइट कॉलर गुंडों को पार्टनर बना रखा है। बहुत पहुंची हुई हस्ती है। वो पढ़ा लिखा है भाई, आपकी तरह अंगूठा छाप थोड़ी है। बाबू साइन कहाँ करना है? सर, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी है। हाँ मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये सारी मेरी है। मैं इन्हें रोज देखता हूँ। टाइम खोटी मत कर, साइन कहाँ करनी है बोल। यहाँ साइन कीजिए। प्लीज कम ऑन, पेन ला। मुबारक हो भाई, आप नायक भाई के नए पार्टनर बन गए। अब तो शहर पर मेरा राज होगा। सर चॉकलेट से मुंह मीठा कीजिए। मुंह तो ऐसे मीठा करवा रहा है जैसे देश का भला किया। आपने सचमुच भला किया है सर। मैंने क्या किया? आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी अनाथालय को दान में जो दे दी। जान लेगा क्या मैंने प्रॉपर्टी कब दान की? देख मेरा दिल कमजोर है। जिस डॉक्यूमेंट पर अभी आपने साइन किया उसमें तो यही लिखा है कि आपने सारी संपत्ति दान कर दी और उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुमने मुझे इनविटेशन देकर यहाँ बुलवाया, हाथ में पेन थमाकर मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प करके मुझे बीच रास्ते पर छोड़ दिया। ए! मैं मंगल भाई हूँ, मुझसे धोखेबाजी तुम्हें महंगी पड़ेगी। यहाँ लाशों के ढेर बिछा दूंगा मैं। मेरे आदमी बाहर खड़े हैं, एक सीटी मारते ही अंदर आ जाएंगे। चिल्ला क्यों रहा मंगल, ग्रहण लग गया? और क्या करूं, तुमने मेरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और मुझे 50 पैसे की चॉकलेट थमा दी। गाली नहीं दूंगा तो क्या तुम्हारी आरती उतारूंगा? जय हो वीर शूर, इससे आगे तो मुझे भी नहीं आता। यहाँ जो हो रहा है वो शायद तेरे भेजे में घुसा नहीं है। चल बगल वाले कमरे में समझाता हूँ। इस कमरे में तो चॉकलेट दी, अब उस कमरे में क्या बिस्कुट दोगे? बच्चे को स्कूल डेज याद आ गए, पनिशमेंट देनी पड़ेगी। चलो इस कमरे में भी आ गया आपका घर। अरे तुम लोग तो बॉडी बिल्डर हो, सारा झोल उस कमरे में हो रहा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खा खा कर इतने बड़े सांड जैसे हो गए हो। तुम्हारे पास बॉडी है, मेरे पास दिमाग है, साथ मिलकर खत्म कर देते हैं उसे। आज हम एक नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाएंगे। ये घूर घूर के मुझे हुल क्यों दे रहे? भाई मेरी बाई आंख बहुत जोर से फड़क रही है, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जल्दी से सीटी बजाओ। सीटी उन्हें सुनाई नहीं देगी। क्यों? साउंड सिस्टम बहुत मस्त है। Ah!
अरे इतनी जायदाद कोई सपने में भी लूटे तो पूरी रात लग जाएगी, और इसने बस एक साइन करा के लूट लिया। मुझे तो ये अभी सपना लग रहा है। कपड़े नहीं फाड़े, चमड़ी उधेड़ दी। कितने ट्रेंड कारीगर हैं। ट्रेंड पुलिस वाले भी ऐसी धुलाई नहीं करते। लो भाई चॉकलेट खाओ। हटा इसे, हटा। जब भी चॉकलेट देखूंगा मुझे लूटी प्रॉपर्टी याद आएगी। ओए माँ, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो भाई? बैठने को कहा है इसलिए बैठे हैं। कहीं उनका हमें अंदर मारने का प्लान तो नहीं है? वो भला क्यों मारेंगे, हमने कुछ गलत किया है क्या? उन्होंने कितना मांगा और कितने में मांडवली की? हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारे टर्म्स और कंडीशन मंजूर हो गए। अग्रीमेंट साइन करते ही चॉकलेट भी मिला। वेरी सिंपल। अगर मैं अपना परसेंटेज बढ़ाऊंगा तो चलेगा ना? तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, बस एक साइन करनी होगी। अरे मैं पेन तो लाया नहीं। पेन मिलेगा, स्टैंप मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, अंदर सब कुछ मिलेगा। जाओ तो। नमस्ते नायक भाई। आ जाओ राजपूत। धोखाधड़ी, पायरेसी, नकली पासपोर्ट हो या कोर्ट स्टैंप बनवाना हो, इन दो नंबर के धंधों में अच्छा माल छापा है तूने। अगर आप इन्हें दो मिनट देंगे तो ये आपका भी नकली साइन मार के बता सकते हैं। चुप कर, असली आदमी के सामने नकली साइन क्यों मारूंगा? मेरा पेट तो भर गया भाई। इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया है। भाई जल्दी से परसेंटेज तय कीजिए ना, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है। चॉकलेट अंदर मिलेगा, जाओ और ले लो। शुक्रिया भाई। चॉकलेट खाने के बाद अपनी मुलाकात होगी ना भाई? नहीं होगी, उस प्रोग्राम के बाद तुम्हें एक और प्रोसेस से गुजरना होगा। अब तक तो उसे चॉकलेट मिल गया होगा। कांग्रेट्स, आपने अपनी संपत्ति मदर टेरेसा ट्रस्ट को दान कर दी। ये क्या कह रहा है बुड्ढे, मैं कोई पागल हूँ जो अपनी सारी प्रॉपर्टी दान कर दूंगा? भाई म्यूजिक बजना शुरू हो गया, लगता है साउंड सिस्टम पर उसे भी नचाया जा रहा है। अरे हम तो जैसे तैसे यहाँ तक पहुँच गए, पर लगता है कि ये टाइटैनिक वही बीच में डूब जाएगा। मंगल भाई, अंदर के झोल के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? SMS करते तो बाहर से गलती हो जाता था। हाँ तो बाहर जितने खड़े हैं उन्हें तुम SMS कर दो। अरे छोड़ो ना, जरा उन्हें भी मजा लेने दो। यही फीलिंग मुझे भी आई थी जब तुम बाहर थे। उन्हें भी चॉकलेट का मजा लेने दो। सब ठीक है ना? अरे क्या रे, तुम लोग यहाँ बैठ के बच्चों की तरह चॉकलेट खा रहे हो? अंदर हमें बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उन्हें हमारी शक्ल से पता ही नहीं चलता कि हम गुंडे मवाली हैं। अंदर आओ, साइन करो, चॉकलेट लो और जाओ। तुम भी जाके आओ। अरे ये मोटे, इतना मार खाने के बाद भी अपने पैरों पर चल के आ रहा है। लगता है उनकी धुलाई मुझसे कम हुई है। तूने कमीशन भी तो जंबो साइज का खाया है। उई माँ, चॉकलेट के बारे में बताया, साउंड सिस्टम के बारे में कौन बताएगा? बता देता तो तू अंदर जाता। वेलकम राजा। अंदर जाते वक्त तो बहुत खुश लग रहे थे, अब यहाँ ढीले ढाले पड़े हुए हो। अंदर धुलाई हो रही है क्या? वो हमें क्या मारेंगे, वो तो अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। हमारी भी हुई है, अब तुम्हारी बारी है। अंदर जाओ, अग्रीमेंट साइन करो और चॉकलेट खाओ, लौट कर हमारे साथ बैठो। दाल में कुछ काला लग रहा है, मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके घर में जाके बैठता हूँ। भाई ये तो कल्टी मार गया। भाई अच्छा हुआ ये पकड़े गए, नहीं तो हमारी तो जल जाती। कुछ हुआ ना? अगर हमारा घर जल रहा है तो पड़ोसी का भी जलना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी है। आई लाइक दिस फंडा। सब अंदर आ गए, आप भी बाहर कोई है? हम सबकी हालत मुगले आजम से पगले आजम हो गई है। ओए भाई सबको बुला रहा है। कैसे आएंगे, पैर की हड्डियां टूट चुकी हैं, चॉकलेट खाकर शुगर बढ़ चुकी है, और खातिरदारी करोगे तो मर जाएंगे। अब हमें घर जाने दो। तू अंदर आ रहा है या भाई को बाहर बुलाऊं? कोई जरूरत नहीं, हम एक दूसरे के सहारे पहुंचते हैं। मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे रे, कहीं का नहीं छोड़ा हमें, जो कुछ भी था वो सब ले लिया। ए, कलकत्ता में जो गैर कानूनी धंधा चंदा स्कैम स्कीम चला रहे थे उसे तुम सब आज के बाद बंद कर दोगे। गांव का टिकट निकालो और कट लो। हमें 15 दिन की मोहलत दो, हम 2 महीने में शिफ्ट कर जाएंगे। मैं किसी को मोहलत नहीं देता हूँ, सीधा मौत देता हूँ।